पे। क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दिए हुए रिस्क से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क में बरकत दे, आपके खानों का जायका सलामत रखे, आपको तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे, आपके प्यारों को अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों को मजबूत बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। याद आने लगी हूँ ऑरेंज जूस, ये मेरे पास तकरीबन 3 किलो ऑरेंज है, ऑरेंज का मौसम है, बनाएं तकरीबन 1 पाव चीनी है और ये मैं इस ब्लेंडर में बनाऊंगी, ये हैंड ब्लेंडर है, इसमें बनाऊंगी। बहुत आसान है इससे बनाना, ये देखिए मैंने इस तरह 2 पीसेस में कर लिया है। हाँ जी, अब हम इसको इसका जूस बनाएंगे। हमारे पास फिलिप्स का जूसर था तो उसमें तो सही बना ही नहीं, वो तो उसको पकड़ के रखो बहुत स्लो चलता है, इसलिए फिर हमने ये हैंड बीटर लेके आए। तो अब हम इसके साथ बनाएंगे, इसके साथ बनाना आसान है। ये चीनी है जो कि हम इसमें को कढ़ाई में डाल देते हैं। फिलिप्स क्या, हमने जब इससे करने लगे तो हाथ रख के उसको करना पड़ता था और बहुत लंबा काम था वो, तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता से, इसको तो हम अपने हाथ को चला लेते हैं साथ में, वो बस जूसर ही चलता था और इतना स्लो था वो। ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह साफ़ हो गया है। अब हम सारे पीसेस को इस तरह कर लेते हैं। रमज़ान के लिए बना के रख रहे हैं, माल्टे सस्ते हैं और उस वक़्त तो माल्टे का जूस पिए, चाहे बादाम का शरबत पिए। लेमन का पिए क्योंकि लेमन भी सस्ता है, फिर तो वो 300 तक पहुंचना है और माल्टा तो ख़त्म हो जाना है मार्केट से। हाँ जी, हाँ तो उस वक़्त रमज़ान में मैंगो टैंग है, ऑरेंज है, ये उनसे बेहतर है कि ये बना के ही रख लें। जी ये देखें जी हमारा जूस, अब हम इसको स्ट्रेन कर लें। देखें ये हमारा जूस बन गया है, ये तकरीबन 3 किलो किलो थे हमारे पास। जूस हमारा देखिए तैयार होने के करीब है, तकरीबन 3 किलो मेरे पास जो किनो थे और 1 पाव तकरीबन चीनी थी जिसको मैंने अच्छे से पका लिया है। ये देखिए अब हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें नमक है। मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ऑरेंज जूस हमारा बन गया है व्यूअर्स, ग्लास में मैंने यह ठंडा पानी डाला है, जूस बनाए, ऑरेंज का मौसम है और बहुत फ़ायदे हैं, विटामिन सी है इसमें, रमज़ान के लिए बना के रखें। मैंने इसे और इसमें ऑरेंज का पल्प नहीं डाला, अगर आप इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑरेंज का पल्प डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे इस तरह नीट चाहिए था, बस मैंने ऐसे बनाया है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।